कि आपके जो बाल है जो सरकार इसका 10,000वां जो हिस्सा किया जाए, 10,000 टुकड़े किया जाए, तो उसके जो 10,000वें टुकड़े का हिस्सा है उतने हमारे प्राण जो हमारे शरीर के अंदर है उतना बड़ा वो प्राण, इसीलिए प्राण को रोकना आसान नहीं है। उस प्राण में परमात्मा निवास करता है। अच्छा, लेकिन देखो वजन किस चीज का है, उतने बड़े प्राण में ही वजन है। आप सोचिए शरीर इतना इतना छोटा है लेकिन वजन किसका है, प्राण का है। जब तक आदमी जिंदा है तब तक ही वो पानी में डूब सकता है, मृत्यु के बाद पानी में नहीं डूबता, शरीर अपने आप ऊपर आ जाता है। तो उस वजन उस प्राण का है, हमें जब बनाने का प्रयास करना है तो उस प्राण को ही सात्विक बनाने का प्रयास करना है। अब उस अब कहां बैठे, तो बांस सात गांठ का एक बांस लेकर के आया गया, जैसे कि यहां सात रखा गया ना, तो पितरों के निमित्त ही इस बांस को गाड़ा गया है, पितृ पूजा के लिए वेदियों का आयोजन किया गया है। कल से जो कि पितरों का तर्पण होगा सुबह 9 से 10 देव तर्पण, ऋषि तर्पण, यज्ञ तर्पण, पितृ तर्पण और ये सभी प्रकार के जो तर्पण है वो 7 दिन तक हमने ये बनाया है। 7 दिन पितरों के निमित्त प्रॉपर विधि के साथ तर्पण करना है। जो जो लोग भाग ले रहे हैं वो सुबह 9 से 10 आएंगे और प्रॉपर अपना तर्पण करेंगे और अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं संत कहता हूँ श्रद्धा से किया गया तो सिर्फ 7 दिन में समझ पाएगा। हम लोगों ने जितनी अभी तक कथाएं की हैं उसमें लोगों के प्रत्यक्ष प्रमाण रहे हैं कि हाँ ये फल हमको प्राप्त हुआ। तो अब दुद्धकारी का आवाहन किया, बांस में आकर के निवास करता है। एक दिन कथा समाप्त होती है, बांस की एक ग्रंथि फट जाती है। 7 दिन तक कथा सुनाई, 7 दिन तक ग्रंथि फट गई, 7 ग्रंथि फट गई। सुंदर विमान आता है और दुद्धकारी उसमें बैठ करके चलता है। जैसे विमान आया दुद्धकारी के लिए गोकर्ण जी निकाल रुको, बोले कथा तो सबने सुनी है, विमान सिर्फ दुद्धकारी के लिए क्यों आया। तो गोकर्ण जी को जो भगवान के दूत हैं उन्होंने कहा नहीं, कथा सुनने का विधान है, कथा में 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले कथा 3 प्रकार के श्रोता होते हैं कथा में, बोले एक सोता, एक श्रोता और एक सरोता, तो 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो कथा में नींद बड़ी अच्छी आती, कथा में भी अच्छी नींद आती है जनरली, तो बोले एक तो कथा में से समय क्यों नहीं सकते। एक बार और कथा का लाभ भी, एक बार एक सज्जन से बड़े लोगों को बड़ा निवेदन करके बुलाना पड़ता, भैया कथा में आना है, बड़े लोगों को थोड़ा निवेदन वेदन करना पड़ता, थोड़ा बड़े जब प्रतिष्ठित हो नेताओं के उनसे कार्ड वाले ले जाओ उनको प्रणाम कर और तो कथा में आए। तो बड़े व्यक्ति थे गाँव के लोगों ने कहा कथा में आओ, आए नहीं तो पत्नी ने डांट कर भेजा, अरे जाओ कथा हो रही सुन के आओ। अब पत्नी ने डांट कर भेजा तो कथा में आए। कथा में जब आकर के पहुंचे तो पहुंचे, लोगों ने सुंदर आसन वहां बिठाया बिछाया और जहां अच्छी हवा आती थी वहां उनको बिठाया कि भाई बड़े आदमी को दिक्कत ना हो। तो जैसे कथा में पहुंचे अच्छी हवा आ रही थी, हवा पाए और सो, पहुंचते ही कथा में सो। अब कथा खत्म हो गई, सब उठ उठ के चले गए। तो वो जो चादर वाला था उसने कहा तो क्या सुना, आइए पहला उनको लोगों ने कहा आइए, फिर बोले बैठिए, आसन दिया तो बैठिए, और जब कथा खत्म हो तो बोले जाइए, तो चले गए। तो जब घर पहुंचे तो पत्नी ने कहा कि सुना, बोले हाँ मैंने सुना। तो बोले जो सुना है उसको जपते रहना, कथा में जो सुन के आया जाता है ना उसको मनन किया जाता है, बार बार जपा जाता है। अब वो कथा में अच्छी तरह सोए थे रात को तो नींद ना आए, तो रात में पत्नी ने कहा कि उसको जपो, तो बस एक चीज जपे आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अच्छा कितने में चोर आ गया घर, अब चोर आया तो बाहर से भी चोरी वोरी करके आया था, जब घर के अंदर आया तो उन्होंने कहा आइए, अब चोर परेशान किए मुझे देख ले गया, बैठिए, अब बोला कि मैं भागूंगा तो ये मुझे पकड़ ले, मैं पहचान तो गया इसमें पकड़वा देगा। तो आया बैठ गया, जब कहा बैठिए तो आया हाथ जोड़ कर, मेरी गलती होगी मुझे माफ कर दो मैंने गलती किया, तो बोले जाइए। अब जाऊं क्या, तो उसने सामान उठा के साथ रखा, बोले मुझे माफ कर दीजिए मेरे से गलती होगी मैं अब नहीं आऊंगा। वो सारा जो भी बाहर से चोरी करके लाया था पकड़ करके चला गया। तो बोले जब मैं कथा में थोड़े समय के लिए मैंने सुना
तीन शब्द कथा के थे जिन्होंने मेरे जीवन को कितना परिवर्तन कर दिया, तो मैं श्रद्धा से कथा सुनता तो कितना परिवर्तन। तो जनरली कथा में ऐसा होता, कुछ लोग पंडित जी ने ये वाला शब्द नहीं बोला, ये वाली कथा नहीं सुनाई, उनको कहते सरवता होता ही काटता रहता सरवता। तो कथा में गलती को ढूंढना, एक होता श्रोता कथा में आए सो, और एक होता है श्रोता जिसने श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण किया। तो बोले जो कथा श्रद्धा से श्रवण किया वो गोकर्ण थे। आप यहां पर कथा सुनने आए हैं, अपने पितरों का आवाहन किया है, आप सुने ना सुने आपके पित्र यहां कथा जरूर सुने और वो जरूर मुक्त होंगे। तो श्रद्धा से जब कथा श्रवण कराई दुर्गकाली की मुक्ति हो गई। और इस कथा को बहुत सुंदर तरीके से श्रवण करा रहे हैं शरद कुमार संतन जी, इस उपाख्यान को श्रद्धा से श्रवण कराते हैं नारद जी को। और कथा सभी लोगों ने बहुत भाव के साथ सुनी। खैर फिर गोकर्ण जी ने एक वर्ष बाद फिर से कथा का आयोजन किया और उससे जो लोग नगर के हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस जब सुंदर कथा को नारद जी को शरद कुमार ने सुनाया, भक्ति देवी प्रसन्न हो गई। भक्ति देवी बहुत सुंदर नृत्य को करना भक्ति देवी ने प्रारंभ कर दिया। हजारों जो ऋषि हैं जो कुंभ जैसा वातावरण है उसमें नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। और लिखना पड़ा वहां पर वेदव्यास जी को पहला दस्तार धारण